सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपके शिक्षा, कृषि विज्ञान, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें फैक्ट की, तो बोरलॉग पुरस्कार एक उपरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया था और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 फरवरी, 21 जून, इनमें से कोई नहीं। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय योग एट होम एंड योगा विद फैमिली है। यूएनजीए के 177 सदस्य राज्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव का समर्थन किया। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, सुगा तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1962, 1964, 1966, इनमें से कोई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री वर्ष 1966 में बनी थी। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जन्म उपनाम नेहरू, 19 नवंबर 1917, 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। चौथा क्वेश्चन देखेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, चीता, बाघ, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? एस्ट्रम, लंदन, बर्लिन, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एस्ट्रम। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। भारत ने हॉकी में 1928 के एस्टरडम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक तब जीता जब भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत ने फाइनल मैच में नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज्यादा से ज्यादा। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, नागालैंड, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय से है।
मेघालय में जयंतिया का पता जयंतिया पहाड़ियों में लगाया जा सकता है। यह वर्तमान मेघालय के शिलोंग पठार के पूर्व से असम में बराक नदी घाटी तक फैला हुआ है। जयंतिया खासी की तरह प्रोटो ऑटोलाइट मोर खमेर जाति से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन देखेगा, सातवां क्वेश्चन है इसकी अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी के बारे में कुछ फैक्ट है उन्हें जान लीजिए। अमेजन नदी पानी के निर्वहन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण अमेरिकी की सबसे लंबी नदी भी है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर और गुयाना देशों से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें से कोई नहीं। देखिए जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर हम देश की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व याद कर लीजिए और भारत का याद करिए कि भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। नवा क्वेश्चन देखिएगा, नवा क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? क्रिप्स मिशन योजना, माउंट बटेन योजना, वेवल योजना, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत किया गया। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र निवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने की थी? जैन आयोग, हंटर आयोग, ठक्कर आयोग, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। फैक्ट जान लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था। तो डेट और साल ये भी याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और दो नेताओं शैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और निर्दोष और निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी। सरकार ने जलियांवाला बाग में हुई गोलाबारी की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार GOI ने विकार जांच समिति गठन की घोषणा की। अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर समिति को आमतौर पर हंटर आयोग के नाम के रूप में जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सात ताल झील उत्तराखंड में, जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, उत्तराखंड। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? फुकन आयोग, जैन आयोग, सरकारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सरकारी आयोग। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का निर्धारण करने वाले पहले 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता RS सरकारिया ने की थी। सरकारिया आयोग को 1983 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन 14वां देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी मामले में उद्घोषणा के बंद होने के बाद भी 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा बयक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या अब 550 है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कर सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, बैंकिंग सुधार, इनमें से कोई नहीं। बलवंत राय मेहता संबंधी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 8 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। भारत में यह 1 वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस अवधि में आय अर्जित की जाती है उसे वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित यह महाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है 92 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, यह आपको ध्यान रखना। यह अटलांटिक महासागर में लाल सागर तक फैले उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग को कवर करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला उच्च कटिबंधीय घास का मैदान है जो करीब 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बोत्सवाना और नामीबिया के कुछ हिस्सों दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को कवर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मरुस्थल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि गढ़सोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरवती, कावेरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। गढ़सोपा जलप्रपात शरवती नदी पर स्थित है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। जोग जलप्रपात या गढ़सोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर 829 फीट है। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर है। यह नोकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हीरा खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है। भारत में हीरों की उत्पादन मात्रा वित्त वर्ष 2020 में 20,000 करोड़ से अधिक हो गई है। भारत एकमात्र एशियाई देश है जो हीरे का खनन करता है।
पिछले 9 वित्तीय वर्षों में यह दूसरी सबसे कम उत्पादन मात्रा थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें से 2 कर्नाटक में स्थित है। वे कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र हैं। इनमें से केवल रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 विश्व स्तर पर मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह जल वाष्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपटरी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 45%, 46.80%, 48.35%, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, भूपटरी पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80%। पृथ्वी की भूपटरी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% व आयरन की मात्रा 5% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, झारखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान चांदी के उत्पादन में भारत का नेतृत्व करता है। उदयपुर राजस्थान में जावर की खदानें भारत में सबसे बड़ी चांदी की खान है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आती है? ठोस रूप में, गैसीय रूप में, पिघले द्रव के रूप में, इनमें से कोई नहीं। मैग्मा पिघले द्रव के रूप में पृथ्वी से बाहर आती है। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलन द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होगा। विश्व क्रिकेट परिषद ICC द्वारा आयोजित की जाने वाली एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। इसे क्रिकेट के विश्व कप के बाद सबसे बड़ी प्रतियोगिता के रूप में देखा जाता है और कुछ लोग इसे मिनी विश्व कप भी कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 52%, 652.9 मिलियन किलोग्राम असम राज्य से आता है। लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नागाव और राज्य के देरांग जिले चाय के प्रमुख उत्पादक हैं। 329.70 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल चाय उत्पादक राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में डाला गया? शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, शेरशाह सूरी। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया था। माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था। सुगाज अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हागू नदी, साकपू नदी, यांग नदी, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ये बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो
फागो नदी को चीन के शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ के बाद अपने मार्ग को बदल देती है। इससे सिंचाई के उद्देश्य से खोदी गई फसलों और नहरों को बड़ी क्षति हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? जैसलमेर, लेह, गंगानगर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लेह क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां 9.20 सेमी वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर्यटन के लिए लोकप्रिय स्थलों में से एक है। चेरापूंजी मेघालय न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अधिकतम बारिश वाला क्षेत्र है। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दिल्ली विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 32वां क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगर मैं बात करूं फैक्ट की, शिवाना समुद्र कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है और श्री सोमेश्वर मंदिर यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। शिवाना समुद्र एशिया में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में से एक है, जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और इसे 1902 में स्थापित किया गया था। शिवाना समुद्र जलप्रपात कर्नाटक राज्य के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में शीतोष्ण फलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55.0% तथा उत्पादन का 75% कृषि सेब की ही जाती है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल वॉल ऑफ इंडिया की उपमा भी प्रदान की गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34वां क्वेश्चन है गाइस, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीनिया, टेम्पर, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर घुटने से कोले तक होती है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, केरल, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। देखिए गाइस, अगर पूछा जाए कि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 39.3% हिस्सा है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें आपका आ जाता है झारखंड। तो भारत की बात करें तो यूरेनियम के मामले में भारत जो है झारखंड पहला राज्य है जहाँ पर यूरेनियम का सबसे उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। विश्व की बात करें तो कजाकिस्तान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 12 मार्च, 8 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ये बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला को महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, यूनिसेफ बच्चों और किशोरों को हिंसा और शोषण से बचाने का भी काम करता है। भारत में बच्चों को, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहुति में की गई थी। इसमें 500 से 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगीत सप्तपुणा पणि गुफा, क्षत्रिय गुफा और पिप्पल पर्वत या गदकूट में हुई थी।
इस संगीत की अध्यक्षता महाकाश्यप ने भी की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ये बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पाई स्थल लोथल ये कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पाई स्थल लोथल ये गुजरात में स्थित है, तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। लोथल गुजरात में स्थित है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में एक कृत्रिम डॉकयार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में कांस्य रथ और कुछ कांस्य मूर्तियां सम्मिलित हैं। राजस्थान में कई स्थल हैं, उदाहरण बरौर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में मानव कंकाल, आभूषण आदि सम्मिलित है। पाकिस्तान में हड़प्पा के कुछ स्थल सिंध, पंजाब आदि में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इसकी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1965, 1970, 1972, इनमें से कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता वर्ष 1972 में हुआ, तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 से 3 जुलाई 1972 की रात आधी रात को ये समझौता हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई की रात 10:30 बजे के करीब शुरू हुई बातचीत देर रात 12:40 तक चली। इसी समय भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, पुलकट झील, भूलर झील, टिटिकाका झील। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भूलर झील। भूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के बादीपोरा जिले में स्थित है। भूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, जो हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। भूलर झील 200 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। झेलम नदी भूलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। जैनालंग नाम का छोटा द्वीप इसके केंद्र में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 43वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना AYY शुरू की गई? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ये बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 2000, सन 2000। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद के लिए अंत्योदय योजना अन्य योजना शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दर पर चावल और गेहूं प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अंत्योदय अन्य योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, जिसका शुभारंभ पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 26 से 46, अनुच्छेद 31 से 50, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 38 से 52। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अशोक। बोधगया में महाबोधि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका निर्माण अशोक ने 250 ईसा पूर्व में किया था और 2002 में यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बना, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45वां क्वेश्चन देखिएगा, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, नागालैंड, केरल, आंध्र प्रदेश। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो नृत्य संगीत और नाटक का संगम है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होती है। 46वां क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसे नोबल पुरस्कार नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, एच जी खुराना, मदर टेरेसा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, हमारे हिसाब से होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू को नोबल पुरस्कार नहीं मिला है, ये होना चाहिए, और साथ में महात्मा गांधी को कभी भी नोबल पुरस्कार नहीं मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबल पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। जो भी बच्चे ऑप्शन वी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान बताता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलीकट्टू सांड की लड़ाई खालिस्तान कहां पर होती है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, तमिलनाडु। जलीकट्टू सांडों का सबसे ज़्यादा महत्व पोंगल के त्यौहार पर होता है, इन सांडों को गाँव के मवेशियों का मुखिया कहते हैं, तमिल महीने में जनवरी फरवरी इनकी पूजा आराधना की जाती है, दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु में जलीकट्टू सांडों की लड़ाई का खेल आयोजित किया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नट जली नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नट जली नृत्य महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है, ये महोत्सव चिदम्बरम श्री शवानगर मंदिर में शुरू किया गया था, इसके दो शब्दों में नाट नृत्य अंजलि प्रसाद का एक संयोजन है, ये प्रकाशत में किया जाता है और मंदिर को घेरने वाला एक भारी क्षेत्र है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, महाराष्ट्र। कर्क रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कर्क रेखा 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है। तो इसमें हम लोगों ने PTET 2023 की परीक्षा के लिए इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।